हे गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले अनबॉक्सिंग सैमसंग बर्ड्स का, जो कि एक ट्रूली वायरलेस बर्ड्स है और इसे दिया मेरे फ्रेंड ने इसे रिव्यू करने के लिए, अनबॉक्सिंग करने के लिए। सो थैंक यू सो मच इतना ट्रस्ट, प्यार और सपोर्ट करने के लिए। तो गाइज, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये डायरेक्टली परचेस किया है samsung.com से, जो कि सैमसंग की खुद की वेबसाइट है। वहाँ पे आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो और ये कोई भी पेड प्रोमो नहीं है। तो फटाफट करते बॉक्स को ओपन, और बॉक्स ओपन करते सब यहाँ पे हमें मिलता है बर्ड्स। और बर्ड्स को बाहर निकलते आप देखोगे तो ये पूरा व्हाइट कलर का बॉक्स है और उसके ऊपर बर्ड्स के लोगो दिए हुए, साथ में यहाँ पे बर्ड्स लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी शाइनिंग है और काफ़ी ज़बरदस्त है। बॉक्स के नीचे देखें तो यहाँ पे इसके बाकी डिटेल्स के बारे में दिया है, जो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बॉक्स के लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स का ब्रांडिंग मिलेगा, और उसी तरह अगर राइट साइड में देखें हम लोग तो यहाँ पे आपको कुछ इसके फीचर्स के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि इस बर्ड्स का जो प्ले टाइम वो 6 आवर्स है। उसी तरह इसकी कॉल क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिलेगा, साथ ही में जो इसका डिज़ाइन किया बर्ड्स का वो काफ़ी स्टेबिलिटी और कंफर्टेबल है आपके ईयर के लिए। और इसी तरह बॉक्स के बैक साइड में देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, और साथ ही में जो इसके अंदर साउंड की जो क्वालिटी आएगी, जो साउंड प्रोड्यूस होगा, वो AGS की तरफ से बना हुआ है उसका मैकेनिज्म। तो देरी ना करते हुए फटाफट करते बॉक्स को कट और करते इसे ओपन। तो जैसे ही बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पे सबसे पहले आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा एक लीड, जिसके अंदर यहाँ पे आपको मोस्टली यूजर मैनुअल गाइडलाइंस मिलेगा इस बॉक्स के अंदर। तो फटाफट देखते हैं इस बॉक्स के अंदर और क्या क्या हमें मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बॉक्स में, यहाँ पे हमें मिलता है सैमसंग बर्ड्स, जो कि बर्ड्स बॉक्स है, जिसके अंदर आपका ईयरफोन बर्ड्स रखा हुआ है सैमसंग का। और जैसे ये मेरे हाथ में आप लेते हो, कितना छोटा सा कैप्सूल के साइज का है, और इसके ऊपर लिखा है सैमसंग साउंड बाय AGS। सो फिलहाल रखते इसे साइड में और बात करते बॉक्स के अंदर और क्या क्या कंटेंट हमें मिलते हैं। तो ये दूसरा बॉक्स है, जिसके अंदर आपको कुछ ईयर टिप्स मिलेंगे, जिससे आपको काफ़ी कंफर्टेबल होगा आपके ईयर में इसे पहनने के लिए। और साथ ही में यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए केबल मिलेगा, जो कि है USB 2 माइक्रो USB Type-C वाला। एनीवेज, ये सब रखते हैं और ये सारे कंटेंट है इस बॉक्स के अंदर। तो अब हम लोग बात करेंगे हमारे सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स के बारे में। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये पूरा ब्लैक कलर है और इसके ऊपर सैमसंग की ब्रांडिंग मिली हुई है, साथ ही में लिखा हुआ है साउंड बाय AGS। और ये दिखने में काफ़ी छोटा है, कैप्सूल का है, और इसकी जो प्लास्टिक मेड है वो काफ़ी ज़बरदस्त है और थोड़ा हैवी भी है, क्योंकि ये एक चार्जिंग केस है और आप देख सकते हो कि मेरे पाम में काफ़ी अच्छे से फिट हो जाता है। यहाँ पे नीचे की तरफ देखो तो यहाँ पे आपको ओपन करने के लिए हल्का सा गैप मिलेगा, और साथ में LED लाइट मिलेगा जो चार्जिंग इंडिकेटर देता है। अगर बैक साइड में देखें इस केस के, तो यहाँ पे आपको चार्जिंग स्लॉट दिया हुआ है, जो कि USB Type-C है। चलिए करते हैं सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स के केस को ओपन। तो केस जैसे ही ओपन होता है, यहाँ पे आपको मिलेगा लेफ्ट और राइट का इंडिकेशन, दोनों साइड बर्ड्स रखे हुए, और साथ में बीच में LED लाइट मिलेगी। ये राइट साइड का बर्ड्स है और ये लेफ्ट साइड का बर्ड्स है। और यहाँ पे अगर हम लोग निकालते हैं इसे, तो काफ़ी हल्का है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर साइड में 2 चार्जिंग पिन दिया हुआ है, और ये बर्ड्स को रखने के लिए सेफ है, काफ़ी ज़बरदस्त है और इतना हैवी भी नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि ईयर में भी काफ़ी हैवी लगेगा। और दोनों बर्ड्स को मैं निकाल देता हूँ और केस को रखता हूँ साइड में, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा कुछ है ही नहीं आपको दिखाने के लिए। और ये वैसे चार्जिंग केस है, तो जब भी आपका 6 आवर्स में दोनों बर्ड जब 6 आवर्स का चार्जिंग ओवर कर देता है, उसके बाद इसमें आपको रख के चार्ज करना पड़ता है, और इस बर्ड्स के बॉक्स को भी आपको चार्ज करना पड़ेगा, तभी ये आउटपुट देके इसको चार्ज कर सकता है। ये एक हिसाब से पावर बैंक जैसा काम करता है, बट इसे आप अपना मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते हो। तो चलो अब बात करते हैं हम सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स के बारे में। तो राइट साइड में राइट वाला बर्ड्स है और लेफ्ट साइड में लेफ्ट वाला बर्ड्स है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, दोनों साइड में चार्जिंग पिन पॉइंट दिया हुआ है और काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। लेफ्ट में लेफ्ट लिखा हुआ है, राइट में राइट लिखा हुआ है। एनीवेज, यहाँ पे इसे आप बैक साइड में देखो तो काफ़ी ग्लॉसी टाइप है, और कहीं पे मैट टाइप भी यूज़ किया हुआ है कि ताकि काफ़ी अच्छे से रहे। और यहाँ पे 2 सेंसर्स दिया हुआ है, साथ ही तो यहाँ पे 2 माइक है, जो कि एक कैंसलेशन और एक प्राइमरी माइक है।
ये दोनों ही टॉप में जो ग्लोसी दिख रहा है आपको, ये दोनों ही बाइक टच बटन की तरह काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी जबरदस्त है और मुझे तो बहुत ही हल्का लग रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे सबसे पहले पैर करेंगे अपने डिवाइस से, और उसके लिए आपको सैमसंग वेरेबल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से, और ये दोनों में भी सपोर्टेबल है जो कि एप्पल और साथ ही में एंड्रॉइड पे भी। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो काफी इजी सेटअप है, और इसे पैर करने के लिए आपको ये आपका ईयरबड्स का बॉक्स जो पैरिंग बॉक्स है उसे ओपन करना पड़ेगा, और ये सैमसंग वेरिएबल में ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है, जिससे कि आपको बस सिलेक्ट करना है, ब्लूटूथ ऑन करना है और ये झटपट में ही पैर हो जाता है। और ऐसे कोई कोई एंड्रॉयड डिवाइस होते हैं जिसके अंदर कुछ उसको सॉफ्टवेयर लगता रहेगा, तो उसके लिए आपको वापिस से ऐप ऑटोमेटिकली गूगल प्ले स्टोर पे लेके जाएगा और वहां से उसे डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। तो वो डाउनलोड होने के बाद आपका डिवाइस पैर हो जाएगा इस सैमसंग गैलेक्सी बर्ड से। तो फाइनली जैसे कि आप लोग देख रहे हो मेरा डिवाइस पैर हो चुका है कम्प्लीटली। और अगर मैं अभी इसके सॉफ्टवेयर की बात करूँ, एकदम टॉप में यहाँ पे आपको मिलेगा काफी सारे इन्फॉर्मेशन की इसे कैसे यूज किया जाता है। साथ ही में ये बर्ड्स के बैटरी पावर बैकअप्स दिखेंगे कि इसके अंदर एक लेफ्ट साइड में 95% बैटरी है और दूसरे साइड में 100% बैटरी है। ये भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस सॉफ्टवेयर के अंदर। साथ में इक्विलाइजर भी आप सेटअप कर सकते हो आपके अकॉर्डिंगली। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस के ऑप्शंस मिलते हैं। नोटिफिकेशंस में आपको हर एक फोन के ऊपर क्या क्या नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, कैसे बजना चाहिए, वो सारे डिटेल्स दिए। टैप के ऊपर सारे इन्फॉर्मेशंस दिए कि आपको अगर डबल टैप करना है तो क्या फीचर्स चाहिए। फाइंड माई ईयर बर्ड्स का भी ऑप्शन है, अगर आप लोग कहीं एक बर्ड्स भूल जाते हो तो दोनों बर्ड्स बजने लगेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे स्टॉप का बटन दबाना पड़ेगा। तो ये काफी अच्छा एक तरीका है कि अगर आप कहीं बर्ड्स भूल जाते हो एक रूम से दूसरे रूम में या फिर कहीं पे भी, तो वो आपको बता देगा सर्च करके। सो ये था थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर मैं बात करूँ इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो दोस्तों ये रन करता है ब्लूटूथ के 4.1 वर्जन पे, और जो इसका डॉक है वो एक वायरलेस चार्जिंग डॉक है। ओके, तो यहाँ पे आप इसे चार्ज कर सकते हो 2 to 3 hours में, बट इस एक सैमसंग ईयरबड्स के अंदर आपको 5 hours की बैटरी बैकअप मिलती है। तो समझो कि दोनों अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 5 hours तक आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद डॉक से आप इसे चार्ज कर सकते हो, जो कि एक पोर्टेबल स्लिम चार्जर है। और रही बात इसके अंदर साउंड क्वालिटी की, वो तो काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी रिच साउंड आएगा, और इसमें आपको नॉइस कैंसलेशन का भी फीचर मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पैकेज काफ़ी ज़बरदस्त है। और इसकी प्राइस की बात करें तो यार ये 10,000 rupees का है इंडियन मार्केट में। सो गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इसी बात पर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली को। नए हो इस चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, सपोर्ट करना, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग और जय हिंद।